भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अमन सिंह लड़ रहे हैं। अमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अडानी लड़ रहे हैं। मुकाबला जबरदस्त होगा। हाईकमान ने गिरीश देवांगन पर विश्वास व्यक्त किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जबरदस्त टक्कर के साथ कांग्रेस की जीत होगी। हाँ, आज मुझे भी टिकट मिला है, हाईकमान को धन्यवाद। जी तो ये अफवाह फैला रहे थे, उसका मुंह बंद हो गया। देखो, फर्स्ट फेज में 20 टिकटों में आप देखेंगे 8 प्रत्याशी बदले गए हैं, मतलब इससे ज्यादा और प्रत्याशी बदला नहीं जा सकता। 25 महिलाओं को मौका मिला है, ठीक है ना भाई, आगे और बढ़ेगा। काटी नहीं, बदले हैं, इंतजार करिए उसका, दूसरी सूची की इंतजार करिए, हो जाएगा एक दो दिन। मुकाबला जबरदस्त होगा। हाईकमान ने गिरीश देवांगन पर विश्वास व्यक्त किया है और हमें पूरा विश्वास है कि जबरदस्त टक्कर के साथ कांग्रेस की जीत होगी। कल आप लोग पूछ रहे थे ना, नया क्या है, देख लीजिए नया, कि सोचे थे सरप्राइज है ना। देखिए, इंतजार करिए। लो भला, 8-8 टिकट बदल दिए, 8-8 प्रत्याशी बदल दिए, 40% हो गया है ना। यदि राजनांदगांव भी कहेंगे तो नया ही प्रत्याशी है, तो 20 में से 9 जल्दी। हाँ, तो उसके बाद ही आएगी। भाई पार्टी क्या करेगी, अभी मैं कैसे पूर्वानुमान लगा सकता हूँ। हम लोगों से तो राय सुमारी करते हैं, फैसला भाई का मानता रहता है। उत्साह है, पिछले समय नीचे थोड़ा सा नीचे में एक सीट ये रह गए भारतीय जनता पार्टी के लिए, एक सीट नीचे करो भैया सबको। और राजनांदगांव इस समय भी कार्यकर्ता बिल्कुल तैयारी में, ये सीट भी कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, आपने कहा है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं लड़ रही, रमन सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। रमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अमन सिंह लड़ रहे हैं। अमन सिंह नहीं लड़ रहे हैं, अडानी लड़ रहे हैं, क्योंकि ये इससे सबसे ज्यादा नुकसान इस कार्यकाल में हुआ था, अडानी हुआ है, और इसलिए उसकी गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ पर है। और इसलिए मैं तो कहता हूँ भारतीय जनता पार्टी को वोट देना, मतलब अडानी को ताकतवर बनाना। दाऊजी।